Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. Hey guys, तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे टेलीविजन के एक टैलेंटेड हैंडसम लेकिन काफी अंडररेटेड एक्टर मोहित मलिक की, जिन्हें उनकी बढ़िया फिजिक और दमदार परफॉर्मेंसेस के लिए टेली ऑडियंस के बीच काफी लोकप्रियता मिली है। मोहित टेलीविजन में पिछले 2 दशकों से एक्टिव है और लगातार टेलीविजन में उन्होंने बढ़िया काम भी किया है। मोहित टीवी के एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने लीड रोल से ज्यादा सपोर्टिंग या फिर नेगेटिव रोल्स किए हैं, पर जब जब मोहित को लीड रोल्स में आने का मौका मिला है उन्होंने तब तब बखूबी अपने चार्म और एक्टिंग स्किल से ऑडियंस को इम्प्रेस किया है। वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं मोहित मलिक के साथ बनाई गई अब तक की बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ीज की रैंकिंग्स। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 8 से, जहां उनकी शो बातें कुछ अनकही सी में एक्ट्रेस लीना जुमानी मोहित के कैरेक्टर कुणाल की एक्स वाइफ के रोल में दिख रही है, जहां इनके बीच पास्ट के कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज दिखाई जाती है, पर उससे ज्यादा शो में दोनों के बीच सिर्फ तकरार देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब आएंगे रैंक नंबर 7 पर, जहां मोहित के हिट शो कुल्फी कुमार बाजीवाला से मोहित संग अभिनेत्री अंजलि आनंद की पेयरिंग, जहाँ शो में मोहित सिकंदर नाम के लीडिंग कैरेक्टर में थे जो किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से लवली से शादी करता है, लेकिन शादी के बाद उनके बीच प्यार से ज़्यादा सिर्फ तकरार देखने को मिली, जिस वजह से दोनों कैरेक्टर्स के बीच कोई खास केमिस्ट्री नज़र नहीं आई। वेल दोस्तों, आप चलेंगे रैंक नंबर 6 की तरफ, जहाँ कुल्फी कुमार बाजेवाला से ही मोहित के साथ एक्ट्रेस श्रुति शर्मा की पेयरिंग, जहाँ श्रुति ने शो में सिकंदर की पहली बीवी निम्रत के किरदार को निभाया था, जो कि सिकंदर का असल प्यार थी, या सिकंदर और निम्रत के बीच कई ब्यूटीफुल मोमेंट्स देखने को मिले थे लेकिन कुछ ही एपिसोड्स के लिए। तो दोस्तों, आप चलेंगे रैंक नंबर 5 की ओर, जहाँ सीरियल बनू में तेरी दुल्हन से मोहित मलिक के अपोजिट समीन मनन की जोड़ी, जहाँ दोनों भरत और अदिति के हस्बैंड वाइफ की जोड़ी में थे, जिन्हें ऑडियंस ने शो की लीड जोड़ी के तरह ही इक्वली काफी ज्यादा पसंद किया था। वेल दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 4 की, जहाँ उनके शो लॉकडाउन की लव स्टोरी से उनके साथ सना सैयद की पेयरिंग, जहाँ इस कॉमेडी फैमिली ड्रामा का सेटअप कोविड पैंडेमिक के एरा में सेट किया गया था, जहाँ शो की जोड़ी ध्रुव और सोनम को कोविड के वजह से अपनी फैमिलीज के साथ एक ही घर में रहना पड़ता है, जिस वजह से इनके प्रेम कहानी में काफी चैलेंजेस आते हैं, और इन चैलेंजेस के साथ ही ऑडियंस ने इस यूनिक जोड़ी को काफी प्यार दिया, भले ही शो कम चला पर इनकी जोड़ी हिट रही। तो दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 3 की, जहाँ मोहित की फर्स्ट लीडिंग शो परी हूँ मैं से मोहित के अपोजिट रश्मि देसाई की पेयरिंग, जहाँ शो में मोहित ने सुपरस्टार राजवीर के कैरेक्टर को प्ले किया था, जिसे निक्की नाम की एक ऑर्डिनरी लड़की से लव होता है। वह शो में राजवीर और निक्की के कई ब्यूटीफुल एंड क्यूट सीन्स थे और ऑडियंस को भी रश्मि और मोहित की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद आती थी। तो दोस्तों, अब आ गए हम रैंक नंबर 2 पर, जहाँ मोहित के लेटेस्ट शो बातें कुछ अनकही से मोहित मलिक के साथ साइली सलुनकी की पेयरिंग, जहाँ एक मैच्योर लव स्टोरी है 40 साल की डाइवोर्सी एरोगेंट बिजनेसमैन और 35 साल की अनमैरिड एस्पायरिंग सिंगर के बीच की, जिनके बीच शुरुआत तो होती है तकरार से, पर धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे से क्लोज आ रहे हैं और दोनों के बीच शो में कई ब्यूटीफुल मोमेंट्स दिखाए जाते हैं और इनकी इस ब्यूटीफुल केमिस्ट्री को भी ऑडियंस काफ़ी एडोर कर रही है और इनकी पेयरिंग इस शो का सबसे बड़ा हाईलाइट बनी हुई है। तो दोस्तों, फाइनली बात करेंगे मोहित के कैरियर की जोड़ी नंबर 1 की, जहाँ पर है मोहित के पॉपुलर शो डोली अरमानों की से उनके अपोजिट एक्ट्रेस नेहा मर्दा की पेयरिंग, जहाँ इस शो में मोहित भले ही एक एंटी हीरो थे पर उनकी एक्टिंग को ऑडियंस ने काफ़ी अप्रिसिएट किया और नेहा मर्दा के साथ उनकी पेयरिंग भी काफ़ी स्पेशल रही। सम्राट और उर्मी के बीच शो में ऐसे कई ब्यूटीफुल मोमेंट्स दिखाए गए, जहाँ दोनों लीड एक्टर्स की केमिस्ट्री काफी खूबसूरती से उभर कर आती थी। शो में दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच भले ही कई टेंशन दिखाई गई हो, पर ऑडियंस ने दोनों ही कैरेक्टर्स की पेयरिंग को काफी ज्यादा अप्रिसिएट किया और इनकी जोड़ी को आज भी ऑडियंस काफी मिस करती है। तो दोस्तों, ये थी मोहित मलिक के साथ बनाई गई बेस्ट ऑन स्क्रीन पेयरिंग्स। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि मोहित के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस आपको सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।